ये है अंजलि और अब्दुल लतीफ। दोनों ने एक साल पहले कोर्ट मैरिज की थी, लेकिन अंजलि को लतीफ से शादी करना तब महंगा पड़ गया जब बुधवार सुबह करीब 10:30 बजे दो अज्ञात बदमाशों ने उसे गोली मार दी। अंजलि उस समय जयपुर के मुरलीपुरा इलाके में थी और रोज की तरह दुकान पर काम करने के लिए जा रही थी। तभी स्कूटी पर सवार आए दो बदमाशों ने उसकी पीठ पर उसे गोली मार दी। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने फायरिंग की आवाज सुनी तो मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। गोली मारने वाले बदमाशों को सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है। अंजलि को तुरंत कावटिया हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां से उसे SMS हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया गया। यहां अंजलि का ऑपरेशन चल रहा है। इस मामले में घटना के प्रत्यक्षदर्शी ने घटना की पूरी आपबीती राजस्थान तक के कैमरे पर बयां की है। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि दो लोग लगातार अंजलि का पीछा कर रहे थे। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। ऑफिस स्टाफ ने बताया कि 2 महीने से यहाँ पे काम कर रही थी, रेगुलरली पैदल आती थी, पैदल जाती थी, और आज वो जब 10:30 बजे गई उसके पीछे से उसके कोई 2 बंदे फॉलो करते हुए उसको गोली मार के चले गए। जब तक ऊपर से कॉलोनी वालों ने आवाज़ करी तो ऊपर से स्टाफ उधर के आया उसको, फिर हॉस्पिटल गए। बदमाश थे वो, किस पर थे वो? स्कूटी पे पिछले कुछ दिनों से भाई साहब स्कूटी पे थे, जो आसपास के बंदों ने जो बताया स्कूटी पे थे, और ऑफिस स्टाफ ने बताया, जो ऑफिस स्टाफ की जो गर्ल्स काम करती है जो है उसने बताया कि वो स्कूटी के ऊपर थे। वो पैदल आ रही थी, डेली वहाँ से स्कीम मुरलीपुरा स्कीम में रहती है, तो मुरलीपुरा स्कीम से पैदल रिक्शे में आती है, रिक्शे में उतर के और फिर यहाँ से वहाँ पे पुलिया के नीचे रिक्शे से उतर जाती है, वहाँ से डेली पैदल यहाँ वापस आस पास रहती। बिल्कुल इसको थोड़ा सा कानून व्यवस्था पुलिस की लापरवाही है कि थोड़ा बहुत ऐसा है, तुरंत इस चीज़ों पे थोड़ा सा लगता है कि अभी जो वार्डन्स हैं वार्डन्स के लिए थोड़ा सा वो है कि उसका जैसा अभी दिल्ली में वाला केस हुआ है तो थोड़ा सा वो है कि क्राइम को जो भी क्राइम बढ़ रहा है थोड़ा सा सख्त कानून ना होने के कारण हर आदमी ये सोचता है कि कानून को हल्के में ले। तो वहीं अंजलि के पति लतीफ ने अपने बड़े भाई अब्दुल अजीज के दोस्त रियाज पर हमला करने का आरोप लगाया है। हमारा पुराना पारिवारिक मामला चल रहा है हमारे घर वालों की तरफ से, तो उसमें जब उनका फ़ोन आया भाई ऑफिस के लिए निकल गई, तो 10:30 पे वापस फ़ोन आया था ऑफिस से, वो आसपास के लोगों ने फ़ोन किया था कि ऐसी ऐसी घटना हो गई, गोली लग गई, 2 लड़के कोई आए थे बाइक के ऊपर सवार, वहाँ से हम कांवटिया हॉस्पिटल आए थे, कांवटिया से जैसे में रेफर किया गया, पहचान भी नहीं आ रही, लेकिन यहाँ तक अंदाजा 2 नाम लिखाए उन्होंने, रियाज खान और मजीद खान का, ये बंदे हो सकते हैं। ये 2 बंदे कौन हैं? जैसे पहचाना गया, अभी पूरा पहचाना गया नहीं है, मुँह बांधे हुए, अभी शक के तौर पर रियाज खान का नाम लिखा है कि वो फ़ोन पे बात कर रहा था कि रीढ़ की हड्डी में गोली मारूंगा, रीढ़ की हड्डी में गोली मारूंगा, तो ये बात है। रियाज खान कौन है, आपको जानते हैं, परिचित हैं आपके? हाँ, मेरे बड़े भाई के शॉप पे काम करता था, उनके पास ही वो जॉब करता था, पहले बीच 7 महीने पहले छोड़ दिया। इस मामले को लेकर पुलिस की जाँच जारी है। घटना को लेकर जब राजस्थान तक ने DCP वंदिता राणा से बात की तो उन्होंने बताया कि घटना की हर एंगल से जांच की जा रही है, जो क्लूज है उनके ऊपर काम किया जा रहा है। महिला ने जिनके नाम लिए हैं, जो कि अपने ससुराल वालों के जेठ और उसके कुछ साथियों के नाम बताए हैं, तो उनकी तलाश जारी करके और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम है घायल का और जिनके खिलाफ शिकायत दी है, कुछ नाम? जो महिला है उसका नाम अंजलि वर्मा है, जिनके ऊपर गोली चली है, उसके हस्बैंड का नाम मोहम्मद लतीफ है, और मोहम्मद लतीफ जो उसके हस्बैंड है उसके घर वाले उसके जेठ वगैरह के ऊपर उन्होंने कम्प्लेन की है। लतीफ की दूसरी शादी थी इस तरह का सामने आया, और कब शादी हुई थी ये जो भी चीजें हैं वो अभी अनुसंधान का विषय है, बाकी जो भी घटनाक्रम रहा है उस पर अनुसंधान किया जाए, उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि किस तरीके से घटना हुई। कुछ ऐसा सामने आया, परिजन नाखुश थे इनकी शादी से? शादी से परिजन नाखुश थे, ये बात तो आई है सामने, उसके अलावा क्या इश्यूज रहे वो अनुसंधान से क्लियर हो पाएगा। CCTV में कुछ दिखाई दिया अभी तक? CCTV फुटेज हम लोग सारे खंगाल रहे हैं, उसमें हमें ये पता है कि एक एक्टिवा के ऊपर, मतलब जो स्कूटर टाइप वाली बाइक होती है उसके ऊपर 2 लड़के आए थे, उन 2 लड़कों में से एक लड़के ने महिला के ऊपर फायरिंग की है। अब आगे जो ट्रैक है कि वो किस डायरेक्शन में गए हैं और क्या घटनाक्रम हुआ है उसको। अंजलि की हालत को लेकर जब राजस्थान तक ने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने बताया कि फिलहाल अंजलि की हालत स्थिर है और उसका इलाज जारी है। हमारे यहाँ चिकित्सकों ने उसको प्राइमरी लेवल पर एग्जामिन कर लिया है, सिटी स्कैन एक्सरे वगैरह करा लिए गए हैं, अभी उसको हम भर्ती कर रहे हैं और हमारे स्पेशलिस्ट टीम को बुला लिया, वो भी विशेष रूप से इसे देखेगी, जहाँ तक संभव लग रहा है अभी हालत ठीक है, बेहतर। बुलेट लगी कहाँ पे? उसको पीठ और बैक साइड में स्पाइन लगी है। बॉडी में अभी बुलेट है या निकल गई? पॉसिबल है अभी
अभी एक्सरे वगैरह सिटी आना है हाँ। उसके बाद ही इस बारे में टिप्पणी की जा सकती है। हालत को लेके किस तरह के स्थिर है अभी स्थिर कह सकते हैं। किन किन अंगों को डैमेज किया है? डैमेज अगर बॉडी की चूँकि पीठ के पीछे की तरफ लगी है तो निश्चित है कोई स्पाइन वगैरह कोई और कोई इंजरी करती हुई अगर एब्डोमेन साइड नहीं गुजरी हो सकता है उन ऑर्गन को भी उन्होंने डैमेज किया। लेकिन हम कम्प्लीटली उसको एग्जामिन करा रहे हैं, उसकी सोनोग्राफी भी होगी, सिटी करा लिया गया, एक्सरे करा लिया। इसके अलावा FSL की टीम ने भी मौका मुआयना कर सैंपल लिए हैं। FSL की टीम को देशी कट्टे का एक खोला मिला है जिसे ये तो साफ है कि बदमाशों ने अंजलि के ऊपर देशी कट्टे से फायर किया है। आपको बता दें कि अंजलि वर्मा झोटवाड़ा के एक निजी कॉलेज में पढ़ती थी। लतीफ और अंजलि दोनों पिछले 6 साल से एक दूसरे को जानते थे। बाद में उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया और उन्होंने शादी करने का फैसला किया। लतीफ ने जब अपने घर वालों को हिंदू लड़की से शादी करने की बात बताई तो वो उसको धमकाने लगे। पिछले साल 28 जुलाई को दोनों ने कोर्ट में एक दूसरे से शादी कर ली और मुरलीपुरा इलाके में एक साथ अलग रहने लगे। लड़की के घर वालों को उसकी शादी से कोई दिक्कत नहीं थी। धमकाने का ये मामला जब ज्यादा बढ़ गया तो दोनों ने हाईकोर्ट से पुलिस सुरक्षा मांगी। जैसे ही मामला ठंडा हुआ अंजलि एक स्टोर में एक अटेंडेंट के रूप में शामिल हो गई। दिसंबर में लतीफ के भाई ने दोनों को ये कहते हुए धमकी दी कि वो इस शादी की कीमत चुकाएंगे। लतीफ के मुताबिक पिछले साल उसके भाई ने उसका अपहरण भी किया था जिसकी शिकायत थाने में दर्ज करवाई गई थी। लेकिन आपसी समझौते के बाद मामला सुलझ गया लेकिन बाद में भाई ने फिर से दोनों को धमकाना शुरू कर दिया। घटना को लेकर फिलहाल पुलिस की जांच जारी है। घटना के असली आरोपी कौन है ये तो पुलिस की जांच के बाद ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट राजस्थान तक।